ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चरों में अभी तक चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इतना करा दिया था पिछले लेक्चर्स में, VKS मैथ्स क्लासेस में यूट्यूब पर। इसी में आगे हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में जो 9th का हमारा मटेरियल है उसी से थोड़ा सा और रिलेटेड मैटर, कुछ वर्क थोड़ा सा अलग है, बाकी यदि हम उसको अंडरस्टैंड करें तो वही है। तो 9th वाली चीज़ भी हमको आनी चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। तो सबसे पहले हमारा आता है इस चैप्टर के अंदर रियल नंबर पढ़ने के लिए स्टार्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर है, जिसमें स्टार्ट फ्रॉम 1 होता है, 1 से स्टार्ट लेके ऑल पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये नेचुरल नंबर होता है। यदि हमारे पास नेचुरल नंबर का बैग है और उस बैग में सामने से कोई स्टूडेंट आ रहा है और उसने उसमें 0 और सम्मिलित कर दिया, तो ये जो कलेक्शन है वो होल नंबर का कलेक्शन बन जाएगा, अर्थात होल नंबर का कलेक्शन जो है वो हमारा क्या है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर में 0 और सम्मिलित कर लिया। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर्स में आपके पास जो होल नंबर का कलेक्शन है इसमें आप नेगेटिव नंबर और डाल दीजिए, ये आप कलेक्शन आपका बन जाएगा इंटीजर्स का। इंटीजर में आप देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर भी होंगे, 0 भी होगा और माइनस के नंबर भी सम्मिलित होंगे। ये पूरा कलेक्शन हमारा बन जाएगा इंटीजर का। इंटीजर के 2 टाइप हो गए, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे 2 टाइप का इसमें कलेक्शन होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव का, बीच में 0। और आगे से बढ़े यानी बैग लेके जो बच्चा चला नेचुरल नंबर का बैग लेकर के, उसने 0 मिलाया, होल नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर और सम्मिलित कर दिया अगले बच्चे ने, तो इंटीजर हो गया। और यदि हम इंटीजर में फ्रैक्शन नंबर और शामिल कर दें, तो अब हमारा जो कलेक्शन है वो बन जाएगा रेशनल नंबर का। इसमें आपके ये ऊपर वाले ये भी सम्मिलित हुए, 0 भी, माइनस का भी और फ्रैक्शन भी, माइनस फ्रैक्शन भी, तो
इस प्रकार का जो कलेक्शन है ये रेशनल नंबर कहलाता है, यानी रेशनल नंबर में ये क्लियर नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा, माइनस भी होगा, अपॉन भी होगा, तो ये कलेक्शन कहलाएगा हमारा रेशनल नंबर का। अब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रेशनल ना हो बचे हुए नंबर इरेशनल होते हैं, जिसमें अंडर रूट की वो वैल्यू, जिनके अंडर रूट क्लियर ना हो पाए, जैसे 4 इसमें नहीं ले सकते हम, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगा, 1 नहीं ले सकते, 1 का स्क्वायर रूट 1 निकल जाएगा, फिर ऐसे ही 9 नहीं ले सकते, उसका स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा, और पाई भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि पाई जो है वो यद्यपि पाई की वैल्यू हमने 22/7 पढ़ी है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, ये नियर अबाउट सर्किल में डायमीटर और सरकमफेरेंस का रेशियो है, एक्यूरेट नहीं, नियर अबाउट, इसलिए पाई को इरेशनल में लिया है। पाई की वैल्यू हम देखते हैं तो 9th बुक में पॉइंट के बाद में 49-50 तक उसके अंक आगे तक बढ़े हुए हैं, और वो भी नियमित नहीं है, इसलिए इरेशनल में। और डेसिबल की वो संख्याएं जो अपसेट चलती हों वो इरेशनल होती हैं, इस प्रकार का डेसिबल का कलेक्शन और अंडर रूट की उन संख्याओं का कलेक्शन जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होता है, और इन दोनों को मिला करके अर्थात जिस जो इस चैप्टर का नाम है वो रियल नंबर होगा, जिसमें यदि हम रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों मिला देंगे। तो कलेक्शन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल, अर्थात कोई भी संख्या हमें कहीं भी मिलती है तो वो रियल नंबर जरूर होगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हम पहले से जानते हैं, जैसे इवन नंबर, इवन नंबर जो होते हैं वो जिनमें 2 से डिवाइड हो जाता है, या इन लास्ट जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो, या तो डिवाइड बाई 2 हो या उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर होंगे तो वो इवन नंबर कहलाएगा। ऑड जो है ये इसका अपोजिट हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, यानी जो डिवाइड बाई 2 है वो इवन है, जो नॉट डिवाइड 2 है वो ऑड है। प्राइम नंबर, जो सेल्फ और
वंश को छोड़ करके। नॉट डिवाइड एनी नंबर छोड़कर वन एंड सेल्फ। वन और सेल्फ को छोड़ करके जो डिवाइड नहीं हो रहा, इसकी स्टार्ट जो है वो टू से होती है। देखिए वन नहीं होगा, वन उसमें चला गया क्योंकि वन में हमने छोड़ दिया इसको कि वन और सेल्फ को छोड़ करके, तो टू होगा, फिर थ्री होगा, फोर नहीं होगा क्योंकि टू से डिवाइड हो रहा है, फाइव है, सिक्स से नहीं होगा, टू और थ्री से डिवाइड हो रहा है, सेवन हो जाएगा, एट नहीं होगा, टू से डिवाइड हो रहा है, फोर से डिवाइड हो रहा है, नाइन भी नहीं होगा, थ्री से डिवाइड हो रहा है, टेन भी नहीं होगा, टू से फाइव से डिवाइड हो रहा है, अलेवन हो जाएगा, ऐसे ही थर्टीन एंड अप टू जो भी इस प्रकार के नंबर आए कलेक्शन ऑफ ऐसा नंबर जिनका वन और सेल्फ को छोड़ करके अदर संख्या से डिवाइड ना हो, तो ऐसा प्राइम नंबर कहलाता है। इसी में एक शब्द हो जाता है को प्राइम नंबर। ये हमारा ऐसा कलेक्शन है जिसमें फ्रैक्शन नंबर है और मैक्सिमम सॉल्व वाला, जैसे 2/5 को प्राइम हो जाएगा, 3/7 को प्राइम हो जाएगा, लेकिन 12/20 ये को प्राइम नहीं है क्योंकि ये चार से कट जाएगा। अब ये कटने के बाद को प्राइम हो जाएगा, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब हुआ जो मैक्सिमम सॉल्व हो जाए ऐसा को प्राइम होगा। इसके बाद ये चीज़ जानने के बाद हमारी अगली जो बात है वो है इसी में, अभी हम जो बता रहे थे उसी के आगे हमारा इस बुक से मैटर स्टार्ट होता है, उसमें हमारी थ्योरम है 1.1। ये कभी कभी 1.1 थ्योरम डायरेक्टली आ जाती है वन नंबर में लिखने के लिए। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ था और उस पैटर्न में ऑप्शनल क्वेश्चन बीच में ख़त्म हो गए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दोबारा आना शुरू हो गया है। तो ये जो थी वो एक नंबर में आ जाती थी और क्वेश्चन हो जाता था कि आप यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लिखिए, राइट डाउन द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हमको ये एज सच नकल करना है, गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो स्थिति है वो ए बी क्यू जो डिवीजन का हम हिसाब निकालते हैं तो इसमें बीच में ए आता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, जितनी बार डिवाइड होता है वो क्यू होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो बी होता है, और जो डिवाइड के बाद शेष बचता है वो आर होता है। उसकी कंडीशन हमको चाहिए कि जो कंडीशन है वो हमको चाहिए इस टाइप की जिसमें ए इक्वल टू इसका इसका मल्टीपल और प्लस में आर, और उसकी भी स्थिति ये चाहिए कि जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो बी से छोटा हो, आर जो है बी से छोटा हो, और आर की जो वैल्यू है वो या तो जीरो आनी चाहिए या फिर जीरो जो है उससे आर से लेस होना चाहिए, माने आर जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो
इसको करने के बाद में इसके एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम जो है क्या करेंगे, SCF निकालेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। उससे हमको SCF पता करना है। SCF पता करने की जो पहली हमारी स्थिति थी वो ये डिवीजन मेथड था, उसी मेथड को बेस मान करके हम यहाँ काम करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम ये करते थे कि इनमें से ये देखते थे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम देख रहे हैं 225 ग्रेटर देन 135, छोटी संख्या का बड़ी में डिवाइड करिए। ये छोटी है ये बड़ी है, इसका डिवाइड करेंगे वन टाइम जाएगा, घटाएंगे इसको, और ये डिवीजन जब तक करेंगे अल्टरनेट जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। अब इसको यहाँ रिपीट करेंगे, यानी जो हमारा पहले ए है ये बी है, जो बी है वो ए हो जाएगा रिमाइंडर के बाद। 190, अब ये वाला भी ए हो जाएगा, और ये हमने तब तक चलाया जब तक इसको रिमाइंडर में जीरो नहीं ले रहा, थ्री टाइम में आया ये 1, 2, 3 थर्ड इसका डिवाइड दिया रिमाइंडर ये बचा, इसको रिपीट कर दिया, फिर बचा, फिर इसको रिपीट कर दिया। और मान लीजिए और आगे चलता है तो और भी हम इसको लिखेंगे। अब हमारा SCF जो निकालना है हम वो SCF इसी को देख करके हमारे स्टेप तय हो जाएंगे। तो स्टेप 1 में ये फॉर्मूला यूज करते हुए जिसमें ए जो है वो 225 हो जाएगा और बी 135 इंटू क्यू 1 और आर 90। और स्टेप 2 में इसी में से देख के इस वाले स्टेप को देखिए, यहाँ ए चेंज हो गया 135, 19:1 और रिमाइंडर बचा इसमें 45। अब तीसरी बार में स्टेप 3 में ये चेंज हो गया 90, बी क्यू और ये तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। यहाँ पर फाइनली रिमाइंडर जीरो आ गया, अब ये रुक जाएगा। इससे जो SCF आएगा वो लास्ट में जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा आंसर होगा, यानी लास्ट बी, यानी लास्ट स्टेप का बी SCF का आंसर होगा। ये हमारी वो मैक्सिमम नंबर है कि जिसका हम डिवाइड इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। ऐसे इसका सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में जो नंबर हैं वो 196 और 38, 220 ये नंबर है जिनका SCF निकालना। तो ध्यान दीजिए इसका हम डिवाइड करेंगे इसमें यहाँ पे ये बड़ा है छोटे का डिवाइड करिए इसी तरह से जैसे ये किया है।
इसको मैं हटा दे रहा हूँ। प्रोसेस वही है, फॉर्मूला वही है। 196 में डिवाइड कर रहे हैं 38 टू टू जीरो, एक बार डिवाइड होगा 196, 12 में से 6 गए 6 बचे, एक यहाँ कम हो जाएगा, 17 में से 9 गए 8, एक बचेगा क्योंकि रिमाइंडर उधर जा रहा है, ऊपर वाला बचा लेंगे। 9, 9 छक्के 54, 9 नाम 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17, 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ ये कम हो जाएगा तो 9, और यहाँ से कुछ नहीं बचा और ऊपर का एक जीरो उतर आया। 6 का 12 पड़ेंगे तो ये 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 5 1 5 4 9। तो इसमें क्या हुआ कि ये जब तक यहाँ आ रहा है पूरा, यहाँ तक एक टर्म हुआ इसका, अर्थात ये क्वेश्चन बड़ी, हमें ऐसा लगा कि संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो एक ही स्टेप में हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा केवल फॉर्मूला यूज करके ये वाला स्टेप 1 में ही क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से हम देख रहे हैं ए हमारा ये बीच वाला 38220, बी 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0, एक ही क्वेश्चन में इसका काम हो गया। तो मैंने कहा था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका लेटेस्ट बी SCF होता है, तो यहाँ पे SCF हमारा 196 प्राप्त हुआ। ये हमने यहाँ पे बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को डायरेक्ट भी याद करना है, उसका फॉर्मूला भी याद करना है। ये इसी फॉर्मूला को यूज़ करके जो हम डिवीजन मेथड से पिछले क्लासों में सीखे थे SCF, उसी को यहाँ स्टेप में लाना है, बाकी और कोई समस्या इसमें नहीं है। ये क्वेश्चन इसका एनुअल तक आता है, सीखना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, और शेष हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।